सुबह का वक्त है और आज मैं बनानी गांव में हूँ। यहाँ आने की खास वजह क्या है वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा सुबह का नज़ारा देख लीजिए गांव का। नमस्ते अंकल जी। मैं नमस्ते आप। नमस्ते नमस्ते। ठीक है ठीक है। अब हम इड़ा बदानी गांव में नंदा देवी मंदिर है ना। हाँ। तो रात जात इस तरह आती है। फर्स्ट पड़ाव है। हाँ, तो उस बारे में थोड़ा हमको बता दो, इस तरह मतलब पहले से ही आती है, क्यों, कुछ वजह है उसके पीछे। कहते हैं कि जमन सिंह जोदड़ा के वंशज हैं। अच्छा जी। एक बार जब माता जा रही थी तो रास्ते में उन लोगों को मिली, तो उन्होंने माता जी को अपने गांव में बुलाया। उसी समय से यह प्रथा चली आ रही है कि जब राजा यात्रा आती है तो इस तरफ की आती है। फर्स्ट पड़ाव ईड़ा बदानी में नोटिस से चलने के बाद बीच में कहीं रुकते नहीं है। कहीं नहीं रुकते हैं, सीधा ईड़ा बदानी में आती हैं। उसके बाद दूसरे दिन देवी को विदा करके फिर वापस नोटी जाते हैं। जो मुख्य है, जो जमन सिंह जलोड़ा जी थे, उन्होंने देवी को बुलाया था इस जगह पर। तो वही परंपरा तब से शुरू हुई थी और तब से इस तरफ आते हैं शुरू। ठीक है। धन्यवाद आपका, ये जानकारी हमने हमें भी पता होना चाहिए हमको अपनी जगह। ये बहुत खास था यहाँ नंदा देवी राजा जो इस तरफ आती है ना, पहला पड़ाव, तो जमन सिंह जदोड़ा जी इनके पूर्वज थे, जो जब माँ नंदा देवी जा रही थी तो उन्होंने आमंत्रित किया था अपने गांव में, तो तब से परंपरा शुरू हुई थी। राजा जब भी निकलती है, पहला पड़ाव नोटिस से निकलने के बाद कीड़ा बधाणी गांव में होता है। और ये वो मंदिर है, यहाँ पर माँ नंदा देवी का मंदिर मेरे सामने है। तो ये प्रथम पड़ाव है राजजात यात्रा का। 2026 में राजजात यात्रा इस बार फिर से शुरू होने वाली है 26 में, तो उस वक्त दोबारा इस जगह पर आएंगे और आपको ये गांव दोबारा दिखेंगे राजजात के वक्त में। आज आप देख रहे थे बधाणी गांव और अब यहां से निकलेंगे पाडली के लिए थोड़ी देर में। और आज मैं आपको इससे ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा, थोड़ा पाडली जाने का रास्ता दिखा दूँगा। मैं जा रहा हूँ तुंगनाथ महादेव, कपाट बंद होने वाले हैं और आपको अगली वीडियो तुंगनाथ महादेव के कपाट बंद होने की मिलेगी। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं, साल में बस एक ही दिन ये आता है, तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं जाना चाहता हूँ इस दिन। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो में आप देखेंगे तुंगनाथ महादेव के कपाट बंद होते हुए। और जब डोली नीचे आती है, मकुमठ नाम की एक जगह है, वहाँ डोली आती है, तो वो गाँव भी मैं आपको दिखाऊँगा अगली वीडियो में।
Thank you.